आपने नए संसद भवन को देखा ही होगा। नया संसद भवन बहुत ही आकर्षक और बहुत ही भव्य बना है। नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित विजय मंदिर से मिलता हुआ ही है। विजय मंदिर को वीजा मंडल मंदिर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस मंदिर के कई और नाम भी रहे हैं। यह एक संयोग हो सकता है कि इस मंदिर की संरचना नए संसद भवन की संरचना से मिलती जुलती है। नई संसद भवन और विदिशा के विजय मंदिर को देखने में दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। विदिशा का विजय मंदिर है, वीजा मंडल मंदिर, और ये दिल्ली का नया संसद भवन। क्या सर, ये दिल्ली से क्या यहाँ कुछ लोग आए थे देखने कि मतलब इसी तरह का हम ये संसद भवन बना सकते हैं? निश्चित रूप से विदिशा का जो हमारा विजय मंदिर है उसको अभ्रंश रूप में वीजा मंडल कहा गया। इसका जो वास्तुशिल्प है, यदि हम ड्रोन से फोटो लेते हैं, आज भी लेते हैं, तो वही का वही वास्तु है जो नए संसद भवन, जिसको सेंट्रल विस्टा कहा जा रहा है, नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा का बिल्कुल आर्किटेक्ट और हमारे वीजा मंडल का आर्किटेक्ट बिल्कुल ज्यों का त्यों मिलता हुआ है। तिकोना सा उसका मुख्य वो है, और आगे पीछे की तरफ दोनों तीनों तरफ दरवाजे होना, काफ़ी ऊंचाई पर वो उसका गर्भगृह के जाने के लिए सीढ़ियाँ, बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह की सेंट्रल विस्टा आज बन रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे विदिशा वासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारे विजय मंदिर की डिजाइन को ही, आर्किटेक्चर को ही सेंट्रल विस्टा में उपयोग किया गया है। तो सर, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं, विदिशा विजय मंडल मंदिर के। विजय मंडल का निर्माण चालुक्य वंशी राजाओं का, जब हमारे इस मालवा क्षेत्र पर अधिकार हुआ, उन्होंने यहाँ विजय प्राप्त की, तो उनके एक मंत्री थे वाचस्पति नाम के। वाचस्पति मंत्री ने अपने चालुक्य वंशी राजाओं के निर्माण के विजय की खुशी में ये मंदिर का निर्माण कराया था। क्योंकि चालुक्य वंशी सूर्य के उपासक होते थे, तो सूर्य को भिल्ल स्वामी भी कहा गया है, तो यहाँ ये मंदिर भिल्ल स्वामी के मंदिर के नाम से यहाँ निर्माण हुआ। उसके पहले इस नगर का नाम बैजिस नगर था, भिल्सा नाम नहीं था। फिर भिल्ल स्वामी के मंदिर बनने के बाद ही धीरे धीरे ये प्रचलन में आया कि भिल्ल स्वामी भिल्ल स्वामी, तो भिल्सा वहीं से उसी का नाम बनकर भिल्सा था। ये 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तब से इसका नाम भिल्सा हुआ। और सन 1024 में, 1024 में इल्तुतमिश ने पहली बार यहाँ आक्रमण किया और इस मंदिर का तहस नहस किया। उसके साथ आए हुए इतिहासकार अल बरूनी ने इस मंदिर का जिक्र किया है कि यह मंदिर 105 गज ऊंचा था और मीलों दूर से मंदिर दिखाई पड़ता था। पहली बार ये जिक्र इतिहास में इल्तुतमिश के माध्यम से आया। फिर स्थानीय निवासियों और परमार राजाओं का यहाँ बाद में आधिपत्य हुआ, तो परमारों ने इसको फिर से, खासतौर से नरबर्वन नाम के जो सम्राट थे परमार वंश, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया। उनका एक बीजक भी लगा हुआ है आज भी वहाँ एक स्तंभ, इसका पुनर्निर्माण हुआ। और 1233-34 में फिर से इस मंदिर पर हमला हुआ और इसको फिर तहस नहस किया गया। स्थानीय निवासी फिर भी पीछे नहीं हटे और इसका पुनर्निर्माण हुआ। इस तरह ये 3-4 बार गुजरात के शासक खिलजी, महमूद खिलजी ने भी इसको आकर इसका हमला किया और तोड़फोड़ की। अलाउद्दीन खिलजी से अलग हटके थे ये गुजरात का खिलजी बस, और सबसे अंतिम जो निर्णायक यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई वो औरंगजेब के समय 1682 में यहाँ इस पर औरंगजेब ने ना केवल इसमें तोड़फोड़ की बल्कि तोपें चलाकर इस मंदिर को विध्वंस कर दिया गया। इसी कारण ये मंदिर पूरा 105 गज ऊंचा मंदिर था वो पूरा तोड़फोड़ होकर चारों तरफ बिखर गया और एक मलबे के रूप में परिवर्तित हो गया। और बरसों मिट्टी और मलबा यहाँ जमा रहा। इतिहास के माध्यम से लोगों को जानकारी में तो रहा, और स्थानीय लोग मंदिर
के उद्धार की मांग भी करती रहे। तो अभी हाल ही में 1991 में एक भयानक बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो जो मिट्टी का टीला बन गया था पूरा क्षेत्र, उस टीले में दरार सी हो गई वर्षा के कारण। लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने देखा तो उस दरार में से कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं। प्रशासन को सूचित किया गया तो तत्कालीन कलेक्टर सुरेश जैन जी ने वहाँ खुदाई शुरू कराई, मिट्टी हटवाई, तो ये मंदिर का जो स्वरूप आज दिख रहा है पूरा गर्भगृह और आसपास, ये उस समय ही प्रकट हुआ। और ये तब तक ये मांग तो चली रही थी, और इसलिए दो संप्रदायों के बीच में विद्वेष का कारण भी रहा। मुस्लिम लोग बीच में नमाज पढ़ने लगे थे खाली जगह देख कर, हिंदू लोग शुरू से कह रहे थे कि मेरा मंदिर 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका खान मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में जो विद्वेष था उसको समाप्त करने के हिसाब से मुस्लिम भाइयों के लिए वर्तमान में भोपाल रोड है उसके पास चौराहे पर एक जगह उपलब्ध कराई और वहाँ ईदगाह का निर्माण कराया। और हिंदुओं के लिए ये कहा, इसको हम पुरातत्व विभाग को सौंप देते हैं पूरे क्षेत्र को, आपको केवल नागपंचमी के दिन एक दिन पूजा के लिए हम अनुमति देंगे, बाकी समय ये पुरातत्व विभाग के दर्शनीय स्थल के रूप में रहेगा और पर्यटक और दर्शक की हैसियत में कभी भी इसको आकर देखा जा सकता है। तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। ईदगाह वहाँ बन गई है भोपाल रोड पर, जहाँ वर्तमान कलेक्टर पहुँच गया है। वो ईदगाह में मुस्लिम भाई अपनी नमाज अदा करते हैं, हिंदू भाई नागपंचमी के दिन पूजन करते हैं, बाकी ये पूरा क्षेत्र पर्यटन विभाग के अंदर में है, पुरातत्व विभाग के अंदर, तो वहाँ जाके लोग देखा।